प्रकृति का व्यवहार है, यहाँ मुफ्त कुछ नहीं है, फ्री का कुछ नहीं है, फ्री की हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, आकाश का अवकाश भी नहीं है, पृथ्वी की गंध भी नहीं है, निःशुल्क कुछ नहीं है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि अमुक से हम अमुक कार्य संपन्न करा लें, क्या लगना है, न समय है, न मन है, न धन है, हो जाए, संभव नहीं है। टेलीफोन भी किसी को करेंगे आप, उसकी भी कीमत है। जिससे भी आप जो कार्य करते हैं, कराना चाहते हैं, कराते हैं, आपको स्मरण नहीं रहता है, लेकिन उसको विस्मरण नहीं होता है। आज नहीं कल हिसाब करेगा, वो बराबर करेगा। केवल परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त सामग्री है इस सृष्टि में, वो मुफ्त है। वो ऐसे ही प्राप्त है। उनके द्वारा दी गई हवा की कोई कीमत नहीं है। उनके द्वारा दी गई व्यवस्था की कोई कीमत नहीं है। उनके द्वारा बनाए गए शरीर के यंत्र की कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक भी बिगड़ा तो बहुत कीमती है। उनकी व्यवस्था इतनी अद्भुत है साहब, आप सुनते होंगे लोगों के हार्ट का ऑपरेशन होता है, अलग से कुछ नहीं लगता है, वहां लगाने के लिए भगवान ने पांव में एक नस दे रखी है, वही पांव वाली काट करके वहां लगा दी जाती है। भगवान ने जो यंत्र बनाया है, इस यंत्र की बड़ी सुष्ट पुष्ट सुंदर व्यवस्था बनाई है, परंतु इंसान मनुष्य जीव मात्र जो व्यवस्था बनाता है, उसमें कुछ खटपट हो, अड़र बड़र हो, तो उसको वो रिपेयर ठीक से नहीं कर सकता, वो दिखाई पड़ेगा। परंतु परमात्मा ने जो विधान बनाया है, उसमें सीधा नहीं तो बाईपास, सीधा मार्ग भीड़ है, बाईपास से जाओ। मेरे डॉक्टर मित्र ने, मैंने पूछा, अरे ये बाईपास क्या होता है? बोले सीधा रास्ते में जब जाम लग जाता है तो सरकार बाईपास कर देती है। उसी प्रकार सीधे रास्ते में जाम हो गया, जाम कैसे हुआ? बहुत पराठा और मक्खन खाने से, बहुत तेल बटेरा खाने से, 50 के बाद, 55 के बाद रूखा भोजन करना चाहिए, सूखा करना चाहिए, लेकिन खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? बहुत व्यवस्था है। भगवान के द्वारा प्रदत्त सामग्री, व्यवस्था, व्यवहार, संस्थान का ठीक प्रकार से समारोह, बिगड़ेगा नहीं। जीभ को संभाला जाए, जीवन संभल जाएगा।